अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है शादियों में जो चिकन फ्राई बनती है वो किस तरह से बनाते हैं? नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको वो कैसे बनाते हैं। तो बने रहा राना की रसोई में। चिकन फ्राई बनाने के लिए मैंने ये 1.5 किलो चिकन लिया है। इसको मुझे वॉश कैसे करना है वो भी आप देख लीजिएगा। वॉश करने के लिए मैंने ये विनेगर लिया है और ये 1 चम्मच नमक डालूंगी और इसको दोनों हाथों से मुझे मसलते हुए साफ करके इसको धोना है। इससे क्या है, इसमें अगर जो भी खून होगा, जो भी गंदगी होगी, सब निकल जाएगी और ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। अब पानी डालूंगी इसमें। वैसे तो मैंने इसको धो लिया था, लेकिन धोने के बाद में भी जब तक हम विनेगर और नमक के साथ इसको नहीं धोए, ठीक तरह से ये साफ होके नहीं धुल पाता है। ये देखिए अभी इसमें कितना गंदा पानी निकला है, ये देखिएगा। इसको मैं 2-3 बार साफ करके धोऊंगी अच्छे पानी से, उसके बाद में बताऊंगी आगे मुझे क्या क्या चीज़ कैसे बताना है, समझाना है आपको। बने रहे मेरे साथ। इसको हमने धो के साफ करके रख लिया है। अब इसमें जो जो चीज़ें हमें डालेंगे वो दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने एक ये नींबू लिया है, इसका जूस डालना है। पानी तो नज़दीक नहीं आने देना है इसके। अब डाल देते हैं इसमें ये नमक। मिर्ची पाउडर ये कुटी हुई हरी मिर्ची 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, अब इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, इसको मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। चिकन पे हमने नमक लगाया, उसकी वजह से इसमें पानी भी निकलेगा, ये पानी छोड़ेगा तो इसको भी हम बाहर निकाल देंगे, इसके साथ नहीं रहने देना। और अगर सर्दी में आप बना रहे हैं तो इसको बाहर रखें 1 घंटे के लिए, और गर्मी में बना रहे हैं तो फ्रिज में। चलिए अब हम इसको रख देते हैं। चलिए कोटिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। 2 टेबल स्पून हमने ये बेसन लिया है, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भुना जीरा, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टेबल स्पून काला नमक और ये फूड कलर। अगर आप इसको डालें तो ले लें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और एक सीक्रेट जो है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। जो क्रिस्पी बनके तैयार होती है फ्राई, अंदर से भी एकदम तैयार अच्छी होती है, गल जाती है और ऊपर से क्रिस्पी रहती है, वो कैसे रहती है वो आपको मैं बताऊंगी आगे। पहले ये मैं थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। और ये सारी चीजें डाल दूंगी इसमें। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे।
ये कुटी हुई मिर्ची नहीं और डालूंगी। इसको मैं अभी फ्राई नहीं करूंगी, 10 मिनट के लिए इसको फिर ढक के छोड़ूंगी। इसको 10 मिनट हो गए, अब फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है, तेल जो है तेज गर्म हो गया है। अब गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो कर देना है। अब इसमें पीस डालेंगे। और इसको हमें तुरंत चलाना नहीं है, वरना इसकी कोटिंग हट जाएगी। इतने ही पीस डाल के सेकना है अभी। जैसे कि हमने आपसे कहा था, एक सीक्रेट है तो वो यही है कि इसको हमें हाफ फ्राई करके निकालना है। दोबारा से हमें जब फ्राई करना है, जब ये बिल्कुल करके ठंडा हो जाएगा, जब ये खाने लायक बनेगा अंदर से भी और ऊपर से भी। तो ये मैं सारा निकाल लूँगी। सारा फ्राई कर लिया है हमने, और दोबारा से कैसे फ्राई करना है वो भी तरीका ज़रूर देखें, जब ये ठंडा हो जाएगा, जब बनाऊंगी वो। वही कढ़ाई हमने दोबारा से रख दी है और ये एकदम ठंडे हैं, गर्म नहीं है बिल्कुल भी। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे, और गैस का फ्लेम हमने तेज़ ही रखा है। इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और कलर भी। बस 2 मिनट तक फ्राई करना है। काफ़ी अच्छा सिक चुका है ये, निकाल लेते हैं इसको। चिकन फ्राई बनके तैयार है, और ये देखिएगा आप, अंदर से भी कितनी गली हुई है ये। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। सर्दियों का मौसम हो और चिकन फ्राई हो चटनी सलाद के साथ, फिर तो बात ही क्या है। आप भी आनंद उठाइए इसका। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।